आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद हूं और आरजेडी कार्यकर्ताओं के की वजह से आज स्ट्राइक, आज बिहार बंद का आयोजन किया गया है और यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैडम, इस धरने के पीछे की क्या वजह है मैम? आज है पूरा देश के साथ साथ पूरा बिहार बंद है और ऐतिहासिक बंद है। आप देख लीजिए डाक बंगला चौराहा किस तरह से ऐतिहासिक बंद है। लोग स्वतः बंद कर रहे हैं क्योंकि 23 तारीख को जो विधानसभा में किया गया नीतीश कुमार और इस सरकार के जरिए कि पुलिस को घुसा के, सशस्त्र पुलिस बल को घुसा करके महिला विधायक के साथ साथ पूरे विपक्षी विधायकों को लात घूंसे से पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, तो इसके लिए नीतीश कुमार माफी मांगे और विधानसभा अध्यक्ष को बर्खास्त करें और पूरे तीनों कृषि बिल को वापस किया जाए और 4 श्रम कोड जो सरकार ला रही है तमाम श्रम कानूनों को इकट्ठा करके उसको 4 श्रम कोड में तब्दील कर रही है, इसको वापस ले। इन सवालों को लेकर के आज हम लोग बिहार बंद में उतरे हुए हैं सड़कों पे और यदि सरकार नहीं मानेगी तो और भी बड़ा आंदोलन होगा, और भी तीखा आंदोलन होगा और इस सरकार को जवाब देना होगा। इस सरकार को सकते हैं कि किस तरह से ये स्ट्राइक हो रही है, किस तरीके से ये बंदी हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए जाएंगे और वो सारे लोग यहाँ आने के लिए, शहरों में आने के लिए और इसी बेरोजगारी की फौज का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होंगे और तब उसके बाद जो मजदूरी आज हमें मिलती है, जब आपके बगल का आदमी खड़ा होगा जो 3 दिन से खाया नहीं है, अगर वो तो आप देख सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बंद को किया गया है और इनकी एक ही मांग है कि सरकार की तरफ से जो तीनों कृषि बिल कानून पास किया गया उसे जल्द से जल्द वापस किया जाए। और कल इनके साथ जो हुआ, इनके ऊपर जो लाठीचार्ज की गई, जो कानूनी कार्रवाई की गई, उसके लिए माननीय नीतीश कुमार सबके सामने उनसे माफी मांगे। किया गया ये कैसा बिहार के अंदर सुशासन चल रहा है, 74 के आंदोलन का नीतीश कुमार एक दिन सड़कों पर संघर्ष करते थे, आज शासन में आने के बाद ये विधायकों को पिछवा रहे हैं, महिला विधायकों को अपमानित कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनकी बेइज्जती की गई है, ये शर्मनाक बात रहे इस लोकतंत्र के अंदर, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। साथियों, इसका जवाब आने वाले समय में इस देश की जनता, बिहार की जनता देगी। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह सरकार महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। इस देश के अंदर, बिहार के अंदर हर रोज बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके जिंदा मार दिया जा रहा है, यही तो इनके सुशासन में हो रहा है। बीजेपी के राज में, जदयू के राज में इनके विधायकों द्वारा बच्चों को नहीं बख्शा।